क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीस के पैटर्न बताऊंगी, जिससे कि अगली बार जब भी आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज़ाइंस को भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मिक्स एंड मैच बताऊंगी। जो हमारी शादीज होती हैं, बहुत से फंक्शंस होते हैं, उसमें 3 से 5 दिन के फंक्शंस होते हैं और उसमें हमें बहुत से हैवी ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, हैवी लहंगाज, हैवी अनारकलीज, तो उसको आप किस तरह से रीयूज कर सकते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये तरीका है कि आपका जो हैवी लहंगा है आपके ब्राइडल लुक का, उसको आप लाइट ब्लाउज के साथ ट्राई कर सकते हैं। और लाइट ब्लाउज मतलब बहुत एकदम जो प्लेन कपड़ा होता है, जिसमें कुछ भी एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी प्रिंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लहंगे में ऑलरेडी बहुत एम्ब्रॉयडरी होती है। तो आप उसको सिंपल एक क्रॉप टॉप या फिर ऑफ शोल्डर, जिस तरह का आप बना के पहन सके, वैसा एक सिंपल सा एक टॉप बनाएं और उसके साथ पेयर करके आप क्रॉप टॉप विथ लहंगा या स्कर्ट का एक लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका वो ये है कि आपका जो ऑलरेडी जो ब्राइडल लहंगा है, आप उसके ऊपर एक प्लेन सेम शेड का नेट फैब्रिक डाल दें। टॉप पार्ट पे अगर उसके ऊपर अगर आप डालें तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप चोली में ना डालना चाहें तो आप अगर सिर्फ नेट, अपना जो प्लेन नेट होता है, सेम आपके लहंगे का जो शेड है उसी कलर का, आप अगर अपने लहंगे के ऊपर एक लेयर और दे दें तो उसकी वजह से जो एम्ब्रॉयड्री, जो हैवी एम्ब्रॉयड्री है, वो थोड़ी कम दिखने लगती है और वो जो है एक कैजुअल लुक में आ जाता है वो लहंगा, और आप उसे नॉर्मल छोटी मोटी रस्मों में भी आप उसे पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो एक तरीका है वो ये है कि आप अपने लहंगे को वाइट शर्ट के साथ ट्राई करें। ये भी एक बहुत अच्छा इंडो वेस्टर्न लुक बनता है। जो बॉटम है वो आपका हैवी रहता है और सिंपल ऊपर जो है नॉर्मल जो शर्ट पैटर्न के टॉप्स आ रहे हैं वो आजकल सेलिब्रिटीज़ भी ये बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो एक ये भी तरीका है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका वो ये है कि आप अपने लहंगे को प्लेन कुर्ती के साथ ट्राई करें। प्लेन कुर्ती, वो सैटन सिल्क की वाइट कलर की कुर्ती, ऑफ क्रीम गोल्डन कलर की, ऑफ वाइट कलर की, इस तरह की कुर्तीज़ के साथ अगर आप अपने लहंगे को ट्राई करें तो बहुत सारा पोर्शन जो होता है लहंगे का, जो हैवी होता है, वो कुर्ती की वजह से छुप जाता है। तो एक लॉन्ग कुर्ती आप अपने लहंगे के साथ भी पेयर करके उसमें सेम आप उसी लहंगे की चुनरी, जो दुपट्टा होता है, वो आप यूज़ करके पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका वो ये है कि आपकी जो चोली होती है लहंगे की, वो भी बहुत हैवी होती है, तो आप उस चोली का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे आप नॉर्मल जो प्लेन शिफॉन स्कर्ट होता है, आप उसके साथ पेयर करके पहन सकते हैं, क्योंकि चोली जो होती है वो बहुत हैवी है, तो आपका जो शिफॉन का कपड़ा है वो प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक अच्छा आपका इंडो वेस्टर्न लुक बन जाता है। नेक्स्ट जो ये एक और टिप है वो ये कि आपकी जो साड़ी है उसका भी चोली जो है वो आप मतलब आपके पास अगर कोई हैवी साड़ी है तो आप अपने लहंगे का चोली भी यूज़ कर सकते हैं उस साड़ी में। आपकी साड़ी थोड़ी प्लेन होनी चाहिए, उसी की वजह से आपका जो चोली है वो उभर के दिखेगा और एक कॉन्ट्रास्टिक लुक आ जाएगा आपके एटीट्यूड में भी। तो इस तरह का भी एक आप ट्राई कर सकते हैं मिक्स एंड मैच पैटर्न। एक और जो तरीका वो ये है कि आप अपनी जो चोली है उसे आप योक पैटर्न में कटवा के आप अपने कुछ एक ड्रेस बना सकते हैं, अनारकली ड्रेस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये काम आपका टेलर बहुत आसानी से कर देगा, तो आपका एक अनारकली कुर्ता तैयार हो सकता है उसी चोली से। नेक्स्ट एक और जो टिप है वो ये है कि आप अपनी जो लहंगे का जो फैब्रिक है आप उसे थोड़ा कम कर दें, मतलब कि उसकी जो कलीज हैं वो कुछ काट के उसमें जो प्लेन कलीज हैं वो जोड़ के आप उससे एक और बहुत अच्छा सिंपल लुक दे सकते हैं। इससे आपका जो लहंगे का वज़न है वो भी थोड़ा कम हो जाता है और ये थोड़ा अच्छा भी दिखता है, मतलब कैजुअल लुक के लिए। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि अपने लहंगे में थोड़ी और दूसरी लेयर्स भी डाल दें प्लेन।
नेक्स्ट जो तरीका वो ये है कि आप अपनी जो वेडिंग की जो सिल्क साड़ी होती है आप उसको लहंगा स्कर्ट में कन्वर्ट कर दें। लहंगा स्कर्ट भी आजकल बहुत फैशन में चल रहा है, इसके साथ क्रॉप टॉप बहुत अच्छा पेयर है। और लहंगा आप जो स्कर्ट लहंगा बना रहे हैं वो आप लेयर्स में बनाएं, रफल्स में बनाएं, उसमें बहुत सारी प्लीट्स दें, बहुत अच्छा हैवी एक प्रिंसेस लुक आ जाएगा, डिज़ाइनर लुक आ जाएगा। बहुत ही चल रहा है ये इस तरह का, आप असिमेट्रिकल या रुमाल पैटर्न भी उसमें दो एक हाथ लेयर वो भी डाल सकते हैं, रुमाल कट पैटर्न की भी एक लेयर डाल सकते हैं आप उसमें। तो ये भी आप इससे आपकी पूरी साड़ी जो है वो यूज़ भी हो जाएगी और एक नया डिज़ाइनर ड्रेस भी आपका क्रिएट हो जाएगा। एक ये तरीका है कि आप अपनी साड़ी को सलवार जो सलवार सूट होता है उसमें कन्वर्ट कर दें। इसकी मैंने बहुत सी पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप सिंपल जो सिल्क साड़ीज़ होती हैं उसको आप किस तरह अपने पार्टी वियर कुर्तीज़ या अनारकली में कर सकते हैं कन्वर्ट, तो आप उसे भी रिफ़र कर सकते हैं और उसमें भी बहुत से ऐसे मैंने डिज़ाइंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो तरीका वो ये है कि आप अपने जो वेडिंग की साड़ी है उसके साथ आप एक सिंपल जैकेट यूज़ कर लें। सिंपल जैकेट होगा तो आपकी जो एम्ब्रॉयडर्ड पूरी साड़ी है, जो हैवी साड़ी है, उसमें थोड़ा सा कम आ जाएगा लुक और वो कैजुअल वियर में करके आप पहन सकते हैं उसको भी। नेक्स्ट जो तरीका वो ये है कि आप जो आपकी जो ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ है उसको आप दूसरे तरीके से भी पहन सकते हैं, जैसे आप उसको साड़ी के साथ भी आप ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ को पहन सकते हैं या फिर लहंगे की तरह भी आप उसको पहन सकते हैं। एक और जो ये लास्ट तरीका है वो ये है कि आपका जो हैवी साड़ी का जो बॉर्डर है आप उससे किसी भी कुर्ती या चूड़ीदार में ट्राई कर सकते हैं और जो उसकी जगह जहाँ से आप अपनी बॉर्डर निकाल रहे हैं साड़ी की, जो हैवी सिल्क साड़ीज़ की बहुत हैवी बॉर्डर्स होती हैं, तो उससे काट के आप दूसरी चूड़ीदार में यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह पर आप सिंपल अगर कोई और कॉन्ट्रास्ट कलर का उसमें बॉर्डर डालें या फिर बॉर्डर की जगह कोई और सिंपल सा फैब्रिक, सैटन सिल्क का फैब्रिक या नेट फैब्रिक लगा के, जो आजकल फ्रिल वाली साड़ीज़ बहुत चली हैं, तो वो आप एक और ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका जो नेट फैब्रिक है वो आपकी साड़ी से जो कलर है वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, तभी वो अलग ही लुक देगा। ज़रूरी नहीं कि बहुत कॉन्ट्रास्ट हो, आप उसी शेड में डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, सॉरी उसी कलर में आप डिफरेंट शेड भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसी तरह के और डिज़ाइंस या कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।